जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चिकन कटलेट की रेसिपी। चिकन कटलेट तो आपने बहुत बनाए होंगे, लेकिन आज हम आपके साथ इसकी बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी शेयर करने वाले हैं। आसान सी रेसिपी के साथ बहुत ही क्रिस्पी और बढ़िया कटलेट बनकर तैयार होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। चिकन कटलेट बनाने के लिए हमने एक पैन में 2 टेबलस्पून तेल गरम कर लिया और अब हम इसमें ऐड करेंगे 500 ग्राम बोनलेस चिकन और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक। इसे अच्छे से मिला लेंगे और अभी हमें हाई फ्लेम पर चिकन को तेल में अच्छे से भूनना है जब तक कि इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए और इसमें से पानी ना रिलीज़ होने लगे। पाँच से सात मिनट के बाद आप देखेंगे कि चिकन का कलर चेंज हो गया है और इसमें से काफ़ी पानी रिलीज़ होने लगा है, तो इस स्टेज पर हमें इसमें ऐड कर देना है 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और इसी के साथ हमें इसमें ऐड कर देना है 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। और अदरक और लहसुन की कच्ची स्मेल दूर होने तक हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए थोड़ा और भून लेंगे। तो इस तरह से हमने इसे थोड़ा और भून लिया है और अब हमें चिकन को गलाना है, तो इसलिए हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप पानी और इसे मिला लेंगे। और अब हमें इसे कवर करके लो फ्लेम पर 12 से 15 मिनट के लिए पकाना है या फिर तब तक पकाएं जब तक कि चिकन पूरी तरह कुक ना हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन के पूरी तरह कुक होने तक हमने इसे पका लिया है। चिकन की भुनाई अच्छे से हो गई है और इसमें से तेल भी रिलीज़ होने लगा है, तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। तो हमने जो चिकन बनाया है उसे हमने रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा कर लिया और इस तरह से हमने इसे छोटे छोटे पीसीस में डिवाइड कर लिया है। तो चिकन को पहले इस तरह छोटे पीसीस में डिवाइड कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे उबले हुए आलू। तो हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ के 6 उबले हुए आलू लिए और इन आलुओं को अच्छे से मैश कर लिया और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बॉईल किए हुए नूडल्स। तो हमने यहाँ पर 2 कप जितने उबले हुए नूडल्स लिए हैं। इन नूडल्स को बॉईल करते वक्त हमने इसमें नमक ऐड किया था और इसी के साथ हमें इसमें 1/2 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर देना है और 1/2 कप बारीक कटा हुआ पुदीना। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे छोटी हरी मिर्च। तो हमने यहाँ पर 10 छोटी हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक काट लिया है। आप इसे कितना स्पाइसी रखना चाहते हैं उस हिसाब से हरी मिर्च की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देना है, क्योंकि हमने चिकन में और नूडल्स में नमक ऐड करके रखा हुआ है इसलिए हमने यहाँ पर नमक की क्वांटिटी कम रखी। और अब हम इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और साथ ही में ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून चाट मसाला। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। सारी चीज़ें हमने अच्छे से मिला ली और अब हम इसमें से कटलेट बनाएंगे। तो पहले हमें हाथों पर थोड़ा सा तेल लगा लेना है और इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेकर इस तरह से हमें इसे कटलेट का शेप देना है और इसी तरह हमें सारे मिक्सचर में से इस तरह की कटलेट्स बनाकर तैयार कर लेनी है। तो कटलेट फ्राई करने के लिए हमने तेल अच्छे से गरम कर लिया है और इसी के साथ कटलेट पर कोट करने के लिए हमने एक बोल में 2 अंडे लिए हैं। इसी के साथ लिए हैं ब्रेड क्रम्स। अंडों में हमने 2 चुटकी नमक ऐड कर दिया है और अब हम इन अंडों को फेंट लेंगे। अब हमने जो कटलेट बनाई है उसे हम पहले अंडे में डीप करेंगे और फिर इस पर कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स। तो इस पर हर तरफ हमें ब्रेड क्रम्स अच्छे से अप्लाई कर लेने हैं और फिर हम इसे तुरंत ही तेल में डाल देंगे और इसी तरह हम बाकी की कटलेट को पहले अंडे में डीप करेंगे, फिर इस पर हर तरफ ब्रेड क्रम्स अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करने के बाद हम इसे तुरंत ही तेल में डाल देंगे और फ्राई करने के दौरान हम गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। 3 से 4 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर एक तरफ से फ्राई करने के बाद जब ये गोल्डन ब्राउन होने लगेगी तब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। तो जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी तब हमें इसे तेल में से निकाल लेना है और बाकी की कटलेट्स को हमें इसी तरह पहले अंडे में डीप करना है और इस पर ब्रेड क्रम्स अप्लाई करने के बाद
हम इसे तेल में तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प ना हो जाए। आपको हमारी चिकन कटलेट की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।